हे गाइस, मैं हूं पंकज। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये वीडियो पार्ट रहेगा योजना मैगजीन 2019 का। माह है जून, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार टॉपिक है योगा एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे प्रिलिम्स के बेसिस पर अभी इसको डिस्कस करते हैं, फिर बाकी के आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बहुत सारे फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपको इन नंबर पर कॉल करनी है। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, बहुत सारे हमारे वीडियो के पीपीटी के पीडीएफ के और वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आर्टिकल, हमने बहुत सारे जो ये आर्टिकल हैं इनको समराइज़ किया है, दो आर्टिकल को एक साथ, जैसे योगा द आर्ट ऑफ बींग एंड साइंस ऑफ वेलबींग एंड योगा एंड मेंटल हेल्थ। जिस तरह से समराइज़ करने का एक ही एम है हमारा, क्योंकि आप योजना मैगजीन एक तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, दूसरा आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग के लिए पढ़ते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में एक टॉपिक है हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको एक आंसर राइटिंग आए तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, बॉडी लिखनी पड़ेगी और कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो इन सब आर्टिकल को समराइज करने का यही एम है कि आपको एक मेंस आंसर राइटिंग के बेसिस पर प्रॉपर फॉर्मेट आप सबको मिल जाए। ओके, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रीलिम्स के बेसिस पर। 21 जून को हमारा योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे 2019। इस बार की थीम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा आपका इंटरनेशनल योगा डे 2019 की थीम क्या है, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो द थीम ऑफ 5th इंटरनेशनल योगा डे इज क्लाइमेट एक्शन इन यूनाइटेड नेशन। अब ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप सबको पता है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, बट ये आपके नॉलेज के लिए, ये कभी क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है आपके। बट यूनाइटेड नेशन में ये सेलिब्रेट किया जाता है एक दिन पहले, 20 जून को 2019 को, और योगा विद गुरुज के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बट 21 जून को वो लोग क्या करते हैं, एक पैनल बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या जो थीम होनी चाहिए, किस में आगे वर्क करना चाहिए। तो सेलिब्रेट वो लोग 20 जून को कर लेते हैं, बट डिस्कशन जो होता है वो 21 जून को होता है पैनल का, ठीक है। बट इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में 21 जून को किया जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। ओके, अब मैं आपको, सबको पता है 2019 की थीम है क्लाइमेट एक्शन, कि किस तरह से योगा की हेल्प से क्लाइमेट एक्शन जो है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप सबको पता है इतनी ज़्यादा डेथ होती हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो किस तरह से योगा की हेल्प से क्लाइमेट जो है चेंज किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। ओके, इसके साथ साथ बहुत सारी और थीमें भी पूछी जा सकती हैं। 2015 से सेलिब्रेट करना शुरू किया गया योगा फॉर हारमोनी एंड पीस, 2015 की थीम। 2016 की थीम है कनेक्ट द यूथ, 2017 की है योगा फॉर हेल्थ, 2018 की है योगा फॉर पीस, और इस बार 2019 की है क्लाइमेट एक्शन। ओके, आगे इंटरनेशनल डे जो योगा डे है उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ा सा, कि क्यों 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसके पीछे कौन सी कंट्री जो है अप्रोच किया था। अब द वर्ड योगा इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, मीन्स टू यूनाइट, टू ज्वाइन। देखिए, योगा जो है एक संस्कृत वर्ड से या संस्कृत से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब था यूनाइट, एक साथ, एकाग्रता या एकता, सॉलिडैरिटी आप कह सकते हैं, सॉलिडैरिटी, डैरिटी यानी कि एकता, ठीक है, सभी लोगों को यूनाइट करती है अगर योगा की बात करें तो, ठीक है। ऑन दिसंबर 2014, 11 दिसंबर 2014 को होता क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर करती है कि हम इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को हर साल सेलिब्रेट करेंगे। कौन सा रेजोल्यूशन है ये पूछा नहीं जाएगा, 69/131 रेजोल्यूशन, जैसे होता है हमारी पार्लियामेंट में सेलिब्रेट होता है ना, तो ऐसे ही यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है। अब इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द कॉल ऑफ, अब बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट की बात है, हमारे भारत से ही ये शुरुआत की गई, कि ये डिक्लेयर किया गया जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, व्हेन ही एड्रेस्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन 27 सितंबर 2014, 27 सितंबर 2014 को जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एड्रेस कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि योगा डे सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अडॉप्ट कर लिया गया 21 जून एज एन इंटरनेशनल योगा डे, टू गेट ऑल द बेनिफिट ऑफ योगा टू द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, सभी विश्व में जितने भी लोग हैं उनको फायदा होना चाहिए, ठीक है। फाइनली ये डिक्लेयर किया गया 11 दिसंबर 2014 को बाद यूनाइटेड। देखिए, आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि 27 सितंबर को इन्होंने एड्रेस किया, देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 11 दिसंबर को ये अडॉप्ट भी कर लिया गया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिक्लेयर किया कि 21 जून को हम सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है,
यूनाइटेड जो उस समय के थे जो प्रेसिडेंट सैम कोटेसा, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल योगा डे ऑन जून 21, एंड मोर देन 170 कंट्रीज ने सपोर्ट किया इस प्रपोजल को। पहली बार ऐसा हुआ है इन द कंट्री इन द हिस्ट्री, इट हैपन्ड दैट इनिशिएटिव ऑफ एनी कंट्री, यानी कि हमारे भारत देश का इनिशिएटिव था, हैज़ बिन प्रपोज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर इसको प्रपोज भी किया गया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो ये हमारे पूरे भारत जो वासी हैं, जो पूरे भारत के लोग हैं, उनके लिए प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। पूरे एक तरह से इंडिया को ग्लोबल लेवल में रिप्रेजेंट किया गया, और ऐसा पहली बार हुआ है कि 90 दिन के अंदर कोई यूनाइटेड नेशन में एड्रेस किया गया हो, प्रपोजल रखा गया हो, और उसको इतनी ज्यादा मेजोरिटी के साथ 170 देशों ने इस प्रपोजल को पूरी तरह समर्थन दिया अपना। तो बहुत अच्छी बात है इंटरनेशनल योगा डे। आगे एक और चीज बता दूं, 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए भी इसको चुना गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको एज ए प्रपोजल में 21 जून ही बोला गया था। ठीक है, ओके, द रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड अंडर द ग्लोबल हेल्थ। एक और चीज प्रीलिम्स के लिए, जो रेजोल्यूशन पास ना कि बहुत सारे लोग साइन भी करते हैं, उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। द रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड अंडर द जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था अंडर द ग्लोबल हेल्थ एंड फॉरन पॉलिसी बाय द जनरल असेंबली इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अप्रोच टुवार्ड्स द हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, तो किसके अंडर हुआ था रेजोल्यूशन? ग्लोबल हेल्थ एंड फॉरन पॉलिसी के। ठीक है, ओके, ये सब था प्रीलिम्स के बेसिस पे, मैंने हिस्ट्री बता दी इंटरनेशनल योगा डे। आप सबको बधाई इस बात की, आज भी है 21 जून को ये मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप आपने इससे बहुत ज़्यादा समझा होगा और योगा को भी अपने जीवन में लाए होंगे। ओके, अब जो मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मेंस आंसर राइटिंग के बेसिस पर, अभी ये प्रीलिम्स के बेसिस पर हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करते हैं योगा द आर्ट ऑफ बींग एंड साइंस ऑफ वेलबिंग और योगा एंड मेंटल हेल्थ, ये दोनों आर्टिकल को समराइज किया है ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग के बेसिस पर अपने को लिखें। इसके साथ साथ आगे हम करेंगे यूनानी, नातुरोपैथी, योगा, आयुर्वेद, इन सब के बारे में पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं, ये पूरा आपका अगर योगा का टॉपिक आता है ऐसे में या जनरल स्टडीज पेपर 2 में, हेल्थ सब टॉपिक रहेगा योगा, अगर ऐसे आता है तो किस तरह से आप अपने बड़े आंसर को फ्रेम करेंगे, ये पूरा रहेगा, पूरा 20 या 25 मिनट का पूरा डिस्कशन रहेगा ताकि आप योगा के बारे में हर कुछ जान लें। देखिए, सबसे पहले तो हमने कुछ 8 से 10 स्लाइड में योगा की डेफिनेशन इंट्रोडक्शन के लिए आप सबको बताई गई है कि योगा क्या होता है। तो आर्टिकल में ये सब मेंशन है, बहुत सारे जो डिफरेंट आर्टिकल आए हैं जून के इस मैगजीन में, तो हर एक आर्टिकल में योगा की अलग अलग डेफिनेशन दी गई है कि जो कि आप इंट्रोडक्शन के लिए, तो मैंने सभी जितने भी आर्टिकल थे उन सब का इंट्रोडक्शन उठा के आप सबको कॉन्साइज यहाँ पर दिया है। आप योगा की कोई भी, अगर योगा से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए, तो इतने सारे इंट्रोडक्शन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो पेड ग्रुप है उनको तो पीपीटी मिलेगी, बट जो नहीं है पेड ग्रुप से ज्वाइन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनकी डेफिनेशन के लिए। आर्टिकल सबसे पहले कहता है, इन सब का आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन में, कि अपना आंसर लिखना है तो मैं योगा किस तरह से लिखूंगा। ओके, द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत रूट, जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया, जिसका मतलब होता है यूनाइट, इज द मर्जर ऑफ इंडिविजुअल कॉन्साइसनेस, मतलब कॉन्साइसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस, कि मैं कितना जागरूक हूँ अपने सराउंडिंग से प्रति, मैं किस तरह से रिस्पॉन्स करता हूँ अगर कोई हमारे सराउंडिंग में कोई भी एक्टिविटी होती है। तो ये यूनिटी है, इज द मर्जर ऑफ इंडिविजुअल अवेयरनेस विद द यूनिवर्सल वन थ्रू द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन एवरीडे लाइफ, जो हम डेली एक्टिविटीज करते हैं तो उनसे, तो उन पर्टिकुलर जो सराउंडिंग में चीज़ें हो रही हैं उनसे हम कैसे जागरूक हैं, उनसे कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये योगा कहता है। उसके बाद योगा इज साइकोसोमेटिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। देखिए, साइकोसोमेटिक और बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं, अभी ये इंट्रोडक्शन के लिए हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन में इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अभी, हम ये साइकोसोमेटिक है और बहुत सारे योगा से टर्म जुड़े हुए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बेनिफिट पढ़ेंगे योगा के। ओके, योगा इज अ साइकोसोमेटिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉर अचीविंग यूनियन एंड हार्मोनी बिटवीन द माइंड, बॉडी एंड सोल। तो एक योगा साइकोसोमेटिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो कि किसमें मदद करता है, हमारी बॉडी की, माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को यूनाइट करता है, हार्मोनी इसमें पीस क्रिएट करता है। आगे आर्टिकल और भी अच्छे इंट्रोडक्शन देता है कि इट्स रेलिवेंस इन मेंटल हेल्थ, हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है, उसका रेलिवेंस हैज़ बीन मैंशन इन एनिशियंट टेक्स्ट। देखिए, मेंटल हेल्थ में इसका रेलिवेंस है, ये हमारे एनिशियंट टेक्स्ट में भी दिया गया है, ऐसा आर्टिकल बोलता है। पतंजलि जो एक रहे हैं पहले
आप इनको ऋषि भी कह सकते हैं या ऑथर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इन्होंने एक बुक लिखी योगा सूत्र, ठीक है। इन्होंने क्या लिखी, योगा सूत्र। उन्होंने बोला कि योगा चित्त रति निरोध, विच मीन्स द प्राइमरी एम ऑफ योगा इज रिमूवल ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड। देखिए इन्होंने योगा सूत्र में क्या लिखा है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। इसका मतलब होता है कि योगा का मेन एम है जो कि आपका माइंड जो होता है ना स्थिर नहीं रहता, कभी यहाँ पर मचलता है, कभी वो सोचा जाता है, जो आपका पर्टिकुलर फोकस होता है वो नहीं सोच पाते, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। तो पतंजलि ने लिखा है अपना योगा सूत्र में, योगा चित्त वृत्त निरोधा। इसका मतलब होता है कि जो प्राइमरी एम है योगा का, कि आपका जो माइंड है उसको स्थिर बनाया जाए। क्या बनाया जाए, स्थिर बनाया जाए, ठीक है। आगे योगा को डिस्क्राइब किया गया है एज ए होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम की तरह, योगा सूत्र में जो कि पतंजलि ने लिखी है 300 कॉमन एरा में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि योगा एक लाइफ स्टाइल रेदर देन आसन। सिर्फ योगा प्राणायाम करना ही नहीं है, योगा आसन नहीं है, योगा एक लाइफ स्टाइल है जहाँ पर आप होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद योगा इज जनरली अंडरस्टूड पर्टिकुलर इन द वेस्ट एंड आसन और प्राणायाम, बट इन रियलिटी कंजिस्ट ऑफ मैनी मोर कंपोनेंट। अब देखिए हमारा तो ये है ईस्ट में, वेस्ट में लोग ये सोचते हैं कि योगा सिर्फ आसन है या प्राणायाम है, हमें एक्सरसाइज करनी है। बट अगर रियलिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट इसमें हैं, ठीक है। जिसे अष्टांग बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अष्टांग बोलते हैं। और जो पतंजलि ने अपने योग सूत्र में भी बताया है कि 8 चीज़ें बताई हैं जिसे अष्टांग बोला गया है पतंजलि द्वारा, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 8 लिम्ब कौन कौन से हैं, तो ये इंट्रोडक्शन, आई होप इतने सारे इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किए। 8 लिम्ब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, योगा से क्या होता है, ठीक है। वेस्ट में ये सिर्फ आसन मानते हैं, बट रियलिटी में ये 8 चीज़ें आप सबको योगा करवाता है। सबसे पहले यम, यूनिवर्सल एथिक्स, लोगों के प्रति कैसे सोचना है, मॉरल बिहेवियर आपका सुधारता है। नियम, इंडिविजुअल एथिक्स, एक तो होता है यूनिवर्सल एथिक्स सबके प्रति, इंडिविजुअल एथिक्स आपकी क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं। आसन, फिजिकल पोजेस क्या हैं। प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल, अपने श्वास में कंट्रोल करना, ठीक है। प्रत्याहारा, कंट्रोल ऑफ द सेंसेज, जो 6 सेंसेज हैं उनको कंट्रोल करना। धारण, स्टेडनेस ऑफ माइंड, जैसे अपने मस्तिष्क को स्थिर रखना। ध्यान, मेडिटेशन। समाधि, ब्लिस, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। ये सब 8 लिम्ब में है योगा के, ओके। आगे वही डेफिनेशन आर्टिकल देता है, बहुत सारे आर्टिकल में मेंशन है। तो योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये आर्टिकल, ये अच्छी डेफिनेशन, देखिए कितनी अच्छी डेफिनेशन है कि योगा एक फिजिकल है, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और डिसिप्लिन है विच ओरिजिनेटेड इन एनिशेंट इंडिया। बहुत अच्छा, देखिए डेफिनेशन इसको आप यूज़ कर सकते हैं कि योगा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और डिसिप्लिन है जो कि एनिशेंट इंडिया से ओरिजिनेट हुआ था। देर इज ए ब्रॉड वेराइटी ऑफ योगा स्कूल। अब देखिए योगा स्कूल कहने का मतलब, आप जैसे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट होता है ना, कि हर एक जो रीजन होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, कि हर कोई एक जैसे गंधार है ये, और कोई तमिल का कोई रीजन है तो वहाँ पर अलग तरह से टेंपल बनाए जाते हैं, तो उसको उस स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं, कहते हैं जैसे केरल स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो उस रीजन में जैसे उस चीज़ को परफॉर्म किया जाता है, जैसे उस चीज़ को बनाया जाता है, उसे उस स्कूल ऑफ आर्ट बोला जाता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये स्कूल क्या है, कोई स्कूल होगा, हालांकि उस रीजन में एक पर्टिकुलर जिस जिस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं उसी को कहते हैं, ठीक है। देयर इज ए ब्रॉड वेराइटी ऑफ योगा स्कूल, बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, हिंदुइज्म में अलग है, बुद्धिज्म में अलग है, जैनिज्म में अलग है, ठीक है। ऑलमोस्ट अमंग द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ योगा आर हाथ योगा एंड राजा योगा, ठीक है। हाथ योगा है और राजा योगा है, ये एक प्रैक्टिस है किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन में बात करूं, जो ओरिजिन है योगा का हैज़ बीन स्पेकुलेटेड टू डेट बैक इन प्री वैदिक इंडियन ट्रेडिशन। इट इज़ मैंशनड इन ऋग्वेदा, योगा के बारे में ऋग्वेदा में भी मैंशन है, बट मोस्ट लाइकली डेवलप अराउंड द 6th एंड 5th सेंचुरी BC बिफोर कॉमन एरा इन एनिशेंट, मतलब जीजस क्रिस्ट के पहले की बात की जा रही है कि 6th से 5th सेंचुरी BC के बारे में योगा का जो एनिशेंट टेक्स्ट है वो बताया गया होगा, ठीक है। आगे डिफरेंट सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स इन इंडिया। द लैंड ऑफ योगा रिफ्लेक्ट ए लव फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, टॉलरेंस टुवार्ड्स द अदर सिस्टम ऑफ थॉट एंड कंपनसेट आउटलुक टुवार्ड्स द ऑल क्रिएशन। योगा साधना ऑफ ऑल ह्यूज एंड कलर्स इज कंसिडर्ड पिनिशिया फॉर मीनिंग लाइफ एंड लिविंग। देखिए ये एक डेफिनेशन है, इसमें कुछ समझाने वाला टाइप का नहीं है,
कि डिफरेंट सोशल कस्टम और रिचुअल्स हैं भारत में, उसमें से अगर हम योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ये लाइफ को और जो जीने के तरीके हैं डेली एक्टिविटीज़ को मीनिंग देगा, एक पैनिशिया मतलब सॉल्यूशन आपको देगा। ठीक है, ये आप सब लिख सकते हैं, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अलग डेफिनेशन है, योगा इज़ ए इनर साइंस कॉम्प्राइजिंग ऑफ वैरायटी ऑफ प्रैक्टिसेज और मेथड थ्रू विच ह्यूमन बींग कैन अचीव यूनियन बिटवीन बॉडी एंड माइंड टू अटेन सेल्फ रियलाइजेशन। अवेयरनेस करवा देता है, जानने की जो सराउंडिंग का रिस्पॉन्स है वो बताता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं, बहुत सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ओके, ये सब देखिए डेफिनेशन है। इट इज एन ओरिएंटेशन टू कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल मिक्स। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हमने डेफिनेशन की। आई होप आपको अब अपना आंसर राइटिंग लिखने में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी कि योगा अगर आ गया तो मैं कौन सी लिखूं। तो बहुत सारे हमने इंट्रोडक्शन आपको दिए हैं। योगा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड एज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ वेलबींग अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं प्रिलिम्स फैक्ट की, अबाउट द इंटरनेशनल डे और योगा लोगो। देखिए मैं सबसे पहले आप सबको दिखा देता हूँ योगा का लोगो। देखिए ऊपर को है ये हाथ, ये फिर सन की तरह है, यहाँ पर है ऊपर हाथ किए हैं, यहाँ पर ये पत्तियाँ भी हैं। तो ये योगा लोगों के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये प्रिलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अबाउट द इंटरनेशनल डे और योगा लोगो। अ फोल्डिंग ऑफ बोथ हैंड्स इन द लोगो सिंबलाइज योगा द यूनियन विच रिफ्लेक्ट्स द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉन्शियसनेस। अब देखिए जो ये फोल्डिंग हैंड है ऊपर को हाथ किए हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको एज ए यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, मतलब क्या है कि जो आपकी कॉन्साइसनेस का मतलब होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया द स्टेट ऑफ बिंग अवेयर, जागरूक रहना एंड रिस्पॉन्सिव टू वंस सराउंडिंग, कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है उसमें कैसे रिस्पॉन्स करना। तो फोल्डिंग ऑफ बोथ हैंड ये शो करता है, ठीक है, आपकी जागरूकता और किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल की कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल की कॉन्शियसनेस, पूरे वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस के साथ कैसे यूनाइट करना है, पहला ये बताता है। ठीक है, उसके बाद ये एक परफेक्ट हारमोनी और यूनिटी और सॉलिडेरिटी बताता है, ठीक है, बिटवीन माइंड आपके मस्तिष्क और बॉडी के बारे में। ठीक है, उसके बाद द ब्राउन लीव्स सिंबलाइज, जो भूरी पत्तियां हैं वो सिंबलाइज करती हैं अर्थ एलिमेंट, मतलब जो पृथ्वी से जुड़े हुए एलिमेंट हैं, चाहे वो रॉक हैं, सॉल्ट है, कोई भी चीज़ वो सिंबलाइज करता है। ग्रीन लीव्स सिंबलाइज नेचर, हमारे प्रकृति को, जो हरी पत्तियां हैं ये देखिए ये हैं, देखिए ये ब्राउन लीव्स है ना, ये अर्थ एलिमेंट को बताती हैं, ये नेचर को बताती हैं। ओके, उसके बाद ब्लू सिंबलाइज द वाटर एलिमेंट और ब्राइटनेस फायर एलिमेंट। ठीक है, जो ब्लू है तो वो पानी को, और जो ब्राइटनेस है वो फायर एलिमेंट को। ठीक है, और जो सन सिंबलाइज करता है सोर्स ऑफ एनर्जी को और इंस्पिरेशन को। तो द लोगो रिफ्लेक्ट्स हारमोनी एंड पीस फॉर ह्यूमेनिटी विच इज द एसेंस ऑफ योगा। और पूरा जो ये थीम है वो एक तरह से हारमोनी और पीस फॉर ह्यूमेनिटी, जो ह्यूमेनिटी है उसमें कैसे शांति आए, तो ये सब उसका एसेंस देखने को मिलता है। योगा का एसेंस यही है कि लोगों में पीस शांति बनी रहे, एक पर्सन के और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके पर्सन के साथ शांति बनी रहे। तो आई होप ये प्रिलिम्स फैक्ट आएगा कि वाटर जो ब्राउन लीव है वो क्या सिंपलाइज करता है, अर्थ के एलिमेंट को। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए हमने योगा का लोगो भी डिस्कस कर लिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है यूपीएससी में और दूसरे स्टेट पीसीएस में कि जो योगा का लोगो है वो क्या दिखाता है। अब कुछ हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल स्कूल काइंड्स ऑफ योगा, कि किस तरह से मैंने कहा कि अलग अलग जगह पर किस तरह से योगा प्रैक्टिस किया जाता है। अलग अलग फिलोसफीज हैं, अलग अलग ट्रेडिशन हैं, अलग अलग गुरु हैं, तो अलग अलग डिफरेंट ट्रेडिशनल स्कूल भी आते हैं। ठीक है, अलग अलग रीज़न भी होते हैं जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिया है। अब क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे जनान योगा, आप सबको इसके बारे में कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, ना ही प्रीलिम्स में ना ही मेंस में, बट ये आता है कि ट्रेडिशनल स्कूल कौन से हैं। दो तीन नाम आपको याद रखने हैं, भक्ति योगा, कर्म योगा, पतंजलि योगा, कुंडलिनी योगा, हाथ योगा। देखिए हाथ योगा तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है जैसे हमने पहले भी पढ़ा, और राजा योगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैन योगा, बौद्ध योगा, मैंने कहा ना हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के बेसिस पर अलग अलग प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, और हर एक स्कूल का इट्स ओन अप्रोच, अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग वो प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग पोजेज बनाते हैं, जो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा। और सभी देखिए स्कूल तो बहुत सारे हैं, बट एक अल्टीमेटम अगर मैं बात करूँ, रिजल्ट की बात करूँ, तो वही है हारमोनी और पीस ह्यूमैनिटी में। ठीक है, जैसे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का रेफरेंस लेके मैंने समझाया था कि ये स्कूल ऑफ आर्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। ओके, अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ऑफ योगा।
कि योगा करने के लिए कौन सी फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं ना हर चीज़ के। फिजिक्स में आपने देखे होंगे कि किस फंडामेंटल प्रिंसिपल पे ये चलता है। तो योगा वर्क्स ऑन द लेवल ऑफ वंस बॉडी माइंड इमोशन एंड एनर्जी। देखिए योगा काम करता है एक की बॉडी माइंड इमोशन और एनर्जी इन सब को लेकर एक चीज़ परफॉर्म करते हैं। दिस हैज़ गिवन राइज टू फोर ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ योगा। तो योगा करने समय एक पर्सन की बॉडी इंक्लूड होती है, उसका माइंड, मस्तिष्क, इमोशन और उसकी एनर्जी, ये सब इंक्लूड होते हैं। अभी ये एक्सरसाइज से योगा कैसे अलग है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन कर दिया गया चार हिस्सों में। पहला कर्म योग, वेयर वी यूटिलाइज द बॉडी। कर्म योग वो होता है जहाँ पर अपनी बॉडी का यूटिलाइज करते हैं। जनान योगा वो होता है जो जहाँ हम अपने माइंड का, इंटेलेक्ट का, किस तरह से हम रिस्पॉन्स देते हैं, मस्तिष्क का जो है उपयोग करते हैं। भक्ति योगा में अपने इमोशन का, क्रिया योगा में एनर्जी का। तो ईच सिस्टम ऑफ योगा वी प्रैक्टिस फॉल विद इन द गैमेट ऑफ वन और मोर ऑफ दिस कैटेगरी। अब कोई भी हम योगा करें ना तो ये इन्हीं कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। या तो हम अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं तो वो कर्म योगा में इंक्लूड हो जाएगा। अगर मैं अपनी एनर्जी का यूज़ कर रहा हूँ, अपने इमोशन का यूज़ कर रहा हूँ, एक योगा वो भी होता है ना जिसमें हंसते भी हैं, तो हमारा हैप्पीनेस एक इमोशन है, तो वो भक्ति योगा में इंक्लूड हो जाएगा। तो जितने भी योगा परफॉर्म करते हैं उनके चार फंडामेंटल हैं, कर्म योग, जनाना योग, भक्ति योग, क्रिया योग, ठीक है। तो ये फंडामेंटल हैं कुछ। ओके, आगे एक गुरु यानी कि कोई टीचर कैन एडवोकेट द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फोर फंडामेंटल पाथ। और आपको कोई गुरु ही बता सकता है कि किस तरह से आपको योगा करना है और ये जो फंडामेंटल है उसको किस तरह से यूज़ करना है। यानी कि आपको कोई गुरु बताते हैं कि हाँ इस तरह से परफॉर्म करो, तो उनमें कोई फंडामेंटल आपको दिख ही जाएंगे, या तो इमोशन दिख जाएगा या एनर्जी दिख जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने कुछ इंट्रोडक्शन की बात की गई, फिर प्रिलिम्स के बारे में जानकारी ली, कुछ फंडामेंटल के बारे में। अब योगा प्रैक्टिस फॉर वेलबींग, अब हम डिस्क्राइब करते हैं योगा के बारे में, ठीक है। क्या क्या है जो आप अपनी मेन्स आंसर राइटिंग के मेन बॉडी में लिख सकते हो। ओके, द वाइडली प्रैक्टिस्ड योगा साधना आर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। जैसे मैंने एट लिम्स की बात करी ना तो वही लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो वाइडली प्रैक्टिस्ड योगा साधना क्या क्या इंक्लूड करती है, ये समाधि, बंधन, ये सब, ठीक है। उसके बाद प्राणायाम, इसके बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। जैसे बंधाज एंड मुद्राज आर प्रैक्टिसेज एसोसिएट विद प्राणायाम, दे आर व्यूड एज हायर योगिक प्रैक्टिसेज। तो यहाँ पर कुछ डिटेल में दिया गया है कि जो बंधाज और मुद्राज हैं वो डिटेल्ड योगा प्रैक्टिस आती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है सत्कर्माज आर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोड्यूसर प्रोसीजर दैट आर क्लिनिकल इन नेचर एंड हेल्प टू रिमूव द टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। अब आपके माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, कोई बैड थॉट होते हैं, कोई गुड थॉट होते हैं। तो सत्कर्माज जो योगा का एक फॉर्म है, सत्कर्माज ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि आपकी माइंड को स्थिर करता है, आपको गुड थॉट सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन किसके लिए है, ऐसा नहीं कि आपके कुछ ट्यूमर है उसको निकाल देगा, नहीं। सत्कर्माज आर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर, यानी कि आपकी जो माइंड है, जो बैड थॉट होते हैं उसको रिमूव करता है। तो ये कुछ योगा की प्रैक्टिसेज हैं, आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं सत्कर्माज का। आगे डिस्कस कर लेते हैं हाउ योगा वर्क्स, बेनिफिट ऑफ योगा। देखिए हाउ योगा वर्क्स और बेनिफिट ऑफ योगा। देखिए मेंस में आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो जनरली योगा का इंट्रोडक्शन आपने कर लिया, मेन बॉडी कर लिया, और मेन बॉडी में ही आपसे बेनिफिट ऑफ योगा पक्का, अगर योगा के बेसिस पर फ्रेम हुआ तो क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्यों योगा परफॉर्म किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पक्का फ्रेम होगा। तो उसके लिए जितने भी आर्टिकल थे, बहुत सारे जितने भी ये आर्टिकल हैं जून मंथ की मैगजीन में योजना की, उसमें हर एक आर्टिकल में अलग अलग उनके बेनिफिट लिए थे। तो हमने सभी जो आर्टिकल को समराइज करके जितने भी एक बेनिफिट्स हो सकते थे, कुछ 15 से 20 हमने आपको इस पूरे मैगजीन में बताए हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट वाइज आपके ये जो डॉटेड डॉट है, ये 1 2 3 ये सब पॉइंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फायदा, योगा वर्क्स एन इंटीग्रेटेड माइंड बॉडी मेडिसिन। क्या क्या है देखिए, क्लीनेंसेस द एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन थ्रू वेरियस शुद्धिक्रियाज एंड जनरेट ए सेंस ऑफ रिलैक्स्ड लाइटनेस थ्रू योगिक सूक्ष्म व्यायाम, सिंपल माइक्रो मूवमेंट फॉर ऑल जॉइंट एंड लिगामेंट और बॉडी। अब देखिए जैसे हमने कहा इससे पहले टॉक्सिन की बात की थी कि ये रिमूव करता है टॉक्सिन एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। अब देखिए सबसे पहले
एक फायदा इसका, जैसे बैड थॉट हैं, माइंड को स्टेबल बनाता है ये वाला टॉक्सिन, इसको रिमूव करता है। दूसरा, जो सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे आप जो पोस्चर बनाते हैं, पोज बनाते हैं, इसमें जो हल्का हल्का जॉइंट पेन होता है, ये भी एक तरह से टॉक्सिन को रिमूव करने की प्रोसीजर में इंक्लूड होता है। तो जॉइंट पेन होता है, छोटा छोटा जो दर्द होता है कोहनी में, पाँव में, तो वो सब रिमूव करता है। तो पहला यही कह रहा है, पहला पॉइंट फायदा यही है कि जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन है उसको साफ करता है, क्लीन करता है। वेरियस शुद्धिकरण और सेंस ऑफ रिलैक्स लाइटनेस थ्रू योगिक सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम छोटे छोटे माइक्रो मूवमेंट के हेल्प से आपके जो बॉडी में जॉइंट होते हैं उनमें जो पेन है उसको सही करता है। दूसरा, जो बैड थॉट को गुड थॉट में भी कन्वर्ट करने का इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। पहला ये है। दूसरा, फ्री फ्लो इन ऑल बॉडली पैसेज प्रिवेंट द मैनी इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है जो कि बहुत सारे पैथोजन से हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसका फायदा, अगर हम योगिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं विथ प्रॉपर डाइट, ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम जाते हैं, तो 20% जो होता है आपकी एक्सरसाइज की हेल्प, एक्सरसाइज के बेसिस पर आपकी बॉडी जो है मसल गेन करती है या बॉडी शेप में आती है, बाकी 80%, ये याद रखना, 80% जो रोल होता है वो डाइट का होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिम बहुत करते हैं, वहाँ वर्कआउट हैवी वेट उठाते हैं, बट जो है डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो उनको फिर मसल्स ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती। तो आपको जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट है उनको लेना चाहिए। जैसे प्रोटीन में आपको अंडे हो गए, केले हो गए, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सब, नट्स, बीन्स, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही योगिक लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करनी है तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी। क्रिएट्स पॉजिटिव एंटीऑक्सीडेंट इन्हेंसमेंट दस न्यूट्रलाइजिंग फ्री रेडिकल। वाइल देखिए, फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज होने के बाद, देखिए फ्री रेडिकल में क्या होता है, जितने भी इन्फेक्शन जनरली आपके बॉडी के इम्यून, आप इसको सिंपल भाषा में समझें तो आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा क्या बना देता है, स्ट्रांग बना देता है। आपकी हीलिंग प्रोसेस है, अगर कोई चोट लग गई, आपको जो पेन हो गया, तो वो जल्दी सही करने में अगर आपने योगिक लाइफ स्टाइल विथ प्रॉपर डाइट अडॉप्ट करी तो। तीसरा फायदा ये है। चौथा, ये इंक्रीज करता है इफेक्टिवनेस ऑफ इम्यून सिस्टम, जैसा हमने बताया अभी, ठीक है। उसके बाद, स्टडीज द इंटायर बॉडी थ्रू डिफरेंट फिजिकल पोस्चर हेल्ड इन स्टडी एंड कंफर्टेबल मैनर विदाउट स्ट्रेन। आपको स्ट्रेस नहीं होने देता है, स्ट्रेन नहीं होने देता है, आपकी माइंड को, बॉडी को, सोल को स्टेबल रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है, फिजिकल बैलेंस और सेंस ऑफ ईज विद वन सेल्फ इनहेंस मेंटल इमोशनल बैलेंस। अब देखिए, सिर्फ अगर मैं बात करूँ, आपकी बॉडी में सिर्फ पेन, फिजिकल ही पेन नहीं होता, आपको मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जनरली अभी की जो जनरेशन चल रही है उनके ऑफिस वर्क है, घर का वर्क है, होम का वर्क है, तो वहाँ पर मेंटल स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा होता है। तो फिजिकल बैलेंस के साथ साथ ये एक पर्सन की मेंटल और इमोशनल जो लाइफ है उसको भी बैलेंस करता है, ठीक है। बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रोसेस टू अकर इन हेल्दी मैनर में इम्प्रूव करता है, ठीक है। आगे है, इम्प्रूव्स कंट्रोल ओवर ऑटोनॉमिक रेस्पिरेटरी पैटर्न दैट जनरेट इनहेंस इमोशनल स्टेबिलिटी। अब ऑटोनॉमिक रेस्पिरेटरी पैटर्न होता क्या है, जैसे आपकी हार्ट रेट अच्छे से चले, डाइजेशन, पाचन अच्छे से हो, रेस्पिरेटरी रेट, प्यूपिलरी रिस्पॉन्स और यूरिनेशन, ठीक है, ये सब जो फंक्शन है इन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कंट्रोल करता है और यही फंक्शन जो होता है ड्यू टू, अगर आप योगा करते हैं तो ये जो हार्ट रेट है, डाइजेशन है, रेस्पिरेटरी रेट है, ये अच्छे से होते हैं, ठीक है। तो कोई कहेगा ऑटोनॉमिक रेस्पिरेटरी पैटर्न क्या होता है, ये सब इंक्लूड होते हैं उसमें, ठीक है। आगे, इंटीग्रेट्स करता है बॉडी मूवमेंट विथ ब्रीथ, क्रिएट्स साइकोसोमेटिक हारमोनी। अभी जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे साइकोसोमेटिक, मैंने कहा था बाद में ये टर्म बताऊंगा, आपने ये तो पढ़ लिया होगा ऑटोनॉमिक रेस्पिरेटरी। अब साइकोसोमेटिक हार्मोनी, इसका मतलब होता है कंसर्न विथ बॉडीली सिम्टम कॉज्ड बाय मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। कभी कभी आपको मेंटल स्ट्रेस के कारण, इमोशनल स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारी इन्फेक्शन, बॉडी कुछ सिम्टम्स दिखाने लग जाती है, आपको वीक कर देती है। तो अगर योगा करते हैं तो आपकी बॉडी की मूवमेंट के साथ साथ ये ब्रीथ को भी कंट्रोल करता है और साइकोसोमेटिक हार्मोनी बनाए रहता है, ठीक है, ओके। तो यानी कि इसका मतलब आपको इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फायदा है, फोकस इज द माइंड पॉजिटिवली ऑन एक्टिविटीज़ बीइंग डन। जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आपका ज़्यादा फोकस बने रहेगा, आपकी एनर्जी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और हेल्दी सर्कुलेशन होगा टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड इंटरनल ऑर्गन में, ठीक है। आगे नेक्स्ट फायदा, क्रिएट्स ए काम इंटरनल इन्वायरमेंट थ्रू कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस
दैट इन टर्न इनेबल नॉर्मलाइजेशन ऑफ होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। अब देखिए, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म होता है, इसका मतलब होता है जो आपकी बॉडी फ्लूइड कंपोजिशन है, ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बीपी जिसे आप कहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर है, उसको भी मेंटेन करता है। तो ये वाला जो टर्म है उसे कहते हैं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में क्या क्या इंक्लूड होता है? ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, बॉडी का फ्लूड जो कंपोजिशन है होता है, वो भी योगा की हेल्प से बढ़ता है। ठीक है, इम्प्रूव होता है अच्छे से। आगे नेक्स्ट फायदा, रिलैक्सेस द बॉडी इमोशन माइंड कॉम्प्लेक्स थ्रू फिजिकल और मेंटल टेक्निक दैट इनहेंस अवर पेन थ्रेशोल्ड एंड कोपिंग एबिलिटी इन रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रेस। जो आपका एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रेस होता है, बाकी जो पेन थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि आपको कोई पेन झेलने की क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे एग्जाम्पल, मान के चलिए यूनिट में अगर पेन की यूनिट एक्स यूनिट है, सपोज पहले आपकी पेन जो होता था 5x में ही होना शुरू हो जाता था, बट अगर आप यौगिक लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो आपका जो पेन है वो 10x तक बढ़ सकता है, यानी कि पेन झेलने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपको ज़्यादा इम्यून सिस्टम आपका और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है और इंटरनल हीलिंग कैपेसिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, योगा वर्क्स टुवार्ड्स रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी इन ऑल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइन एक्सिस। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये भी टर्म है, जितने भी अभी तक हमने देखे फायदे योगा के, वो टर्म के बेसिस पे देखे, जैसे साइकोसोमेटिक, वैसे है साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइन। इसका मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम और माइंड से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। ठीक है, तो साइको न्यूरो इम्यूनो एंडोक्राइन का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और माइंड से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें होती हैं, योगा उन सबको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आगे, जैसे मैंने कहा कि 15 से 20, जो ये पॉइंट, इतने सारे योगा के बेनिफिट हैं, ये सिर्फ एक आर्टिकल में नहीं दिए थे, ये जितने भी आर्टिकल हैं उन सब के बारे में है। ये जैसे 5 से 6 आर्टिकल जो भी हैं उन सब का जो बेनिफिट दिए हैं सभी में, सभी के बारे में है। इसके बाद हम, इसके बाद जो है, जो बेनिफिट होते हैं जनरली यूनानी, सिद्ध, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे, योगा होल्ड्स प्रॉमिस ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी इन केसेस ऑफ टोबैको, एल्कोहल एंड ओपियोइड। अब देखिए, जिसको बहुत ज़्यादा लत लग जाती है टोबैको की, एल्कोहल की, तो योगा बहुत ज़्यादा थेरेपी माना गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इन पेशेंट विथ साइकोटिक डिसऑर्डर सच है, जैसे इसको साइकोजोफ्रेनिया, ये एक मेडिकल टर्म है जो प्रोनाउंस कर सकता है वो सही है नहीं तो स्पेलिंग ये कर लेना, जैसे ये लिखा है स्किजोफ्रेनिया। ठीक है, तो ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है जहाँ पर जो बॉडी होती है अलग तरीके से परफॉर्म करती है, अलग तरीके से बिहेव करती है पर्टिकुलर सराउंडिंग की रिस्पॉन्ड में। तो योगा की प्रैक्टिस से ऐसे बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें से एक ये एग्जाम्पल है, वो जो है सही होते हैं। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अदर इमोशन, फीलिंग एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी सॉल्व करता है। जैसे किसी, कोई एक बच्चा है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी नहीं है, जैसे वो किसी प्रॉब्लम को बहुत देर में सॉल्व करता है, मैथ्स के क्वेश्चन को नॉर्मल बच्चे जितना टाइम लेता है उससे ज़्यादा लेते हैं, तो ब्रेन बेस्ड स्किल्स को बहुत ज़्यादा सॉल्व करता है और पे अटेंशन, फोकस करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया बेनिफिट, कुछ 10 से 15 बेनिफिट हमने डिस्कस किए। अब कोई भी योगा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक अच्छा सा मटेरियल पहले से बना हुआ है, तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे मैं बोल रहा हूँ उसकी जो है नोट्स बनाते रहो। ठीक है, सबसे अच्छा है आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे आर्टिकल में पढ़ते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो योगा के बेनिफिट को बताते हैं। ठीक है, आई होप ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बट फिर भी वही चीज़ें हैं, बेनिफिट हैं ये 15 से 20, थोड़े से आगे के बेनिफिट। मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज़ ब्रॉट इन मैनी चैलेंजेस टू हेल्थ एंड हैज़ बिकम मेजर कॉज फॉर मैनी एलिमेंट्स। अब देखिए, अभी मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने कहा, फिजिकल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों को मेंटल स्ट्रेस होता है। दूसरा, जो अनस्टेबल डाइट पैटर्न है लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी में आप प्रोटीन, आपको एक डाइट में प्रोटीन लेना ही चाहिए अगर हेल्दी रहना है तो, आप प्रोटीन नहीं, आप चाउमीन नूडल्स खा रहे हैं जो कि एक बैड कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको डायबिटीज़, अस्थमा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो सिंस बहुत सारे मॉडर्न डे हेल्थ प्रॉब्लम्स में जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं,
वह भी होती है, जैसे हार्ट डिजीज, अस्थमा। तो इन सबसे लड़ने के लिए भी योगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ऐसा साइंटिफिक स्टडी भी बताती है। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल को जोड़ सकते हैं अपने इसको। तो योगा है द पोटेंशियल टू सॉल्व द लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम एंड साइकोसोमेटिक डिजीजेज, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ए सीरीज ऑफ रिसर्च स्टडीज, बहुत सारे लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने एक रिसर्च पेपर निकाला, जिसमें लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, कि ऑफिस जाना है, वहाँ से कोई फिजिकल एक्सरसाइज ना करना है, मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, इन सब के वजह से बहुत सारी नॉन कॉम्युनिकल डिजीजेज होती हैं, अस्थमा हो जाता है, हार्ट डिजीज होती हैं, डायबिटीज़ हो जाती हैं और बहुत सारी डिजीज होती हैं। और इनके बेसिस पे जो योगा है बहुत अच्छा एक माइंड को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद कंक्लूजन करेंगे अपने मेन आंसर राइटिंग का, कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको देखो हार्ट रेट बढ़ जाता होगा, बढ़ता है, बीपी हल्का सा बढ़ जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, बट आप योगा करते हैं तो हार्ट बीट आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी तेज है। तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपकी बॉडी सडन गर्म हो जाती होगी। आपको ये भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आप जिम जाते हैं तो तुरंत खुली बॉडी ना रखें या हाफ में ना जाएं। तो वहीं अगर योगा आप परफॉर्म करते हैं तो इन सब चीज़ों का अपोजिट होता है, आपके माइंड को पीस करता है, बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रखता है, बीपी, हार्ट रेट सब स्टेबल रखता है। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट हो गए। अब हम आते हैं कंक्लूजन, जो कि है आपका मेंस आंसर राइटिंग का, कि आपने योगा का पूरा आंसर लिख लिया ऐसे का, अब कंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी का एक और टॉपिक लिखेंगे, कि मेन बॉडी में ऐसा हो सकता है ना, मेन बॉडी में कंक्लूजन आपका सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन आपका सेम रहेगा, पर मेन जो बॉडी होती है आंसर राइटिंग की, वो आपसे बेनिफिट भी पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, तो उन सब के बेसिस में पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। अभी हमने बेनिफिट, जो मेन बॉडी का पहला पार्ट डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या फायदे हैं, अब हम देखते हैं कंक्लूजन। योगा इज ए साइंस एंड वे ऑफ हेल्दी लिविंग, योगा एक साइंस है और एक वे है आपको स्वस्थ जीवन जीना है, विच हेल्प्स टू अचीव हारमोनियस पर्सनालिटी, आपको पीस शांत आपको रखती है। एट प्रेजेंट ग्लोबल हेल्थ केयर इज डोमिनेटेड बाय मॉडर्न मेडिसिन, आपको यही लिखना है कंक्लूजन में, कि अभी के बेसिस पर आप ग्लोबली कहीं भी देखें तो मॉडर्न मेडिसिन का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, बहुत सारे लोग मेडिसिन खाते हैं, और जो कॉस्ट है मेडिसिन की, जो आधे से, मोस्ट ऑफ द अबव द 50% जो पीपल हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड द वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन, इतनी ज़्यादा महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट जो है वो योगा है। इफेक्टिव अगर लाइफ स्टाइल जीनी है, अफोर्डेबल लाइफ स्टाइल जीनी है, तो योगा इज़ वन ऑफ एट, जैसा लिख रखा है कि योगा उनमें से एक है। तो बहुत आप अपने कंक्लूजन को इतना अच्छा बना सकते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन लोग इतना डोमिनेंस हैं, लोग इसको ही कर रहे हैं, तो योगा अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए आप योगा कीजिए। ठीक है, तो ये सब पूरा मैंने आपको एक मेंस का आंसर राइटिंग उस बेसिस पर पूरा बता दिया है। अब हम बात करते हैं मेंस जो आंसर राइटिंग का, उसका सेकंड पार्ट। हमने पहला पार्ट देख लिया, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो तो योगा के बेनिफिट भी पूछ सकता है आपसे, और योगा के कंट्री और ग्लोबल लेवल में क्या अप्रोचेज हैं इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इतना अफोर्डेबल है, इतने बेनिफिट तो आपने देख ही लिए हैं, सुन लिए हैं, तो उसको के लिए कंट्री लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर क्या कर रहा है, तो एग्जामिनर तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला हमने पैटर्न ने देख लिया कि क्या क्या फायदे हैं, दूसरा पैटर्न हम देखते हैं अप्रोचेस टू प्रमोट योगा एट कंट्री एंड ग्लोबल लेवल, कि हमारे देश में और ग्लोबल लेवल में कितना अप्रोच किया जा रहा है। इससे पहले मैं कंट्री लेवल पर बता चुका हूँ ऑलरेडी, और ग्लोबल लेवल पर भी बता चुका हूँ। जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया ना, इंटरनेशनल योगा डे IDY, 21 जून को जो हमने कहा सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ की हमारे जो देशवासी थे, भारत के देशवासी, एक प्राउड मोमेंट था कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये प्रपोजल रखा था और 90 दिन के अंदर वो जो है इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करा जाने लगा। तो ये आप कंट्री लेवल और ग्लोबल लेवल पर एक कह सकते हो कि योगा को प्रमोट किया गया, तो पहला तो पॉइंट यही हो गया। ठीक है, दूसरा, योगा वॉज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देखिए एक टेंजिबल होती है, जैसे फिजिकल वाले, जो फिजिकल आप जिसको टच कर लेते हैं जनरली वो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होते हैं, जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गई, ये इंटेंजिबल होते हैं। तो योगा को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसमें शामिल किया गया, तो
अगर इसमें शामिल कर दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको प्रिजर्व भी किया जाता है। तो 2016 में 11th सेशन हुआ था इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एडिस अबाबा इथोपिया में। तो यहाँ पर योगा को यूनेस्को की लिस्ट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रिजर्व भी किया जाएगा इसको। दूसरा अप्रोच किया है इंक्लूजन ऑफ योगा इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। हमारे ये तो ग्लोबल लेवल पे था, ठीक है, ये था ग्लोबल लेवल पे जो पहला पॉइंट। दूसरा जो है हमारी भारत की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017, उसमें योगा को इंक्लूड किया गया। तो अब प्रॉपर हेल्थ केयर पहुंचाने के लिए लोगों को ये रिकमेंड किया कि आपको जो योगा है वो स्कूल में और वर्क प्लेसेस एज ए पार्ट ऑफ प्रमोशन गुड हेल्थ। ठीक है, तो आपको स्कूल में और वर्क प्लेसेस में योगा का इंट्रोडक्शन इंटीग्रेट करना चाहिए लोगों को, स्कूल में बच्चों को, स्कूल में और जो वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वहाँ पर योगा के बारे में बताया जाना चाहिए। ठीक है, वो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ गई। उसके बाद योगा इन स्कूल कैरिकुलम। अब बहुत सारे लोग जो बच्चे होते हैं वो कहाँ से सीखते हैं नई नई चीज़ें, आपकी बुक होंगी, एनसीईआरटी बुक होती है क्लास 6 से क्लास 12th तक होती हैं, तो आपको उसी जो नेशनल कैरिकुलम होता है 2005 के बेसिस पे, नेशनल कैरिकुलम है ना 2005, आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा, देखना एक बार, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए अब क्या है, जो स्कूल का कैरिकुलम है, सिलेबस है, उसमें योगा का इंट्रोडक्शन की बात की गई। इन ऑर्डर टू प्रमोट योगा एज ए पार्ट ऑफ स्कूल कैरिकुलम, योगा एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसमें। ठीक है, ए स्टेचरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू 15 टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो योगा को स्कूल कैरिकुलम में, योगा को स्कूल कैरिकुलम में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। ये इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, जिसमें फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ योगा प्रोफेशनल्स एंड एक्रेडेशन ऑफ योगा इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है जहाँ पर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जो योगा को प्रैक्टिस करते हैं उनको सर्टिफाई किया जाएगा एंड पर्सोनल सर्टिफिकेशन बॉडी। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जनरली ये क्या करती है, यूजीसी, जितनी भी यूनिवर्सिटी बनती हैं आपके यहाँ पर होंगी, आपके जैसे उत्तराखंड में कुमाऊं यूनिवर्सिटी या गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो उसको क्या सिलेबस होना चाहिए, कितने टीचर होने चाहिए, क्या सिलेबस कैरिकुलम होना चाहिए, ये यूजीसी बताती है। उनको लाइसेंस हो गया, लाइसेंस कहने का मतलब आप कौन सी बीएससी, ये चीज़ें, आप कोई दूसरा कोर्स करना है तो आपको जो है यूजीसी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस्टेब्लिश किया योगा डिपार्टमेंट 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और एक स्टैंडर्ड योगा सिलेबस भी बनाया गया बहुत सारे कोर्सेज में, जैसे बीएससी, एमएससी, पीएचडी, प्रोग्राम्स इन योगा बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एक्सपर्ट कमेटी। एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई और यूजीसी ने एक योगा डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया गया, जैसे बहुत सारे लोगों का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है उसकी तरह। उसके बाद जो नेट होता है, नेशनल एलिजिबल टेस्ट योगा में हैज़ बीन कंडक्टेड, तो जैसे नेट सोशलॉजी में होता है, जैसे नेट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होता है, तो नेट योगा में भी कंडक्ट किया गया फॉर लेक्चरशिप एंड रिसर्च फेलोशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसे हमने कहा 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये योगा की यूजीसी ने वो किया, ग्रांट किया, तो सिंपल सी बात है, अब तो उनके लिए टीचर भी तो होने चाहिए, तो नेट किया गया। ठीक है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, तो ये कंट्री लेवल पे इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, देखो सिलेबस कैरिकुलम में भी लाया गया, नेट में लाया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अंडर ऑस्पिशियस ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ऑल्सो डेप्यूट्स योगा टीचर टू इंडियन मिशन फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू लोकल स्टूडेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अंडर आईसीसीआर है, उन्होंने एक योगा टीचर को बोला गया टू इंडियन मिशन, ताकि जो लोकल स्टूडेंट हैं और लोकल टीचर्स हैं उनको योगा की ट्रेनिंग दी जाए। तो ये भी काम एक कंट्री लेवल पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री, कॉफ़ी टेबल बुक्स, ये सब प्रमोट करती हैं, वीडियो में बताते हैं कि किस तरह से योगा को अवेयर किया जाए, लोगों को और ज़्यादा जागरूक किया जाए। ठीक है, आईसीसीआर साइंड एन एमओयू विथ यूनानियू मिंजू यूनिवर्सिटी जो कि चाइना है, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योगा कॉलेज नेम्ड इंडिया चाइना कॉलेज ऑफ द योगा।
तो ICCR ने अभी MOU साइन किया चाइना के साथ ताकि इंडिया चाइना कॉलेज ऑफ योगा इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि वहाँ इंडिया के और चाइना के दोनों लोग योगा सीख सकें। उसके साथ जैसे मैथ्स ओलंपियाड होता है, योगा ओलंपियाड भी है। तो NCERT क्या है, एक इनिशिएटिव लिया है उन्होंने योगा ओलंपियाड का स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जहाँ पर बच्चे जो हैं और ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बने योगा को सीखने में, उससे जागरूक और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच योगा ट्रेनिंग जो है सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स CAPF होगा एक, ठीक है, उनको CAPF जो फोर्सेज होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस योगा ट्रेनिंग टू सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स CAPF एंड मोर देन 1385 मास्टर योगा ट्रेनर्स हैव बीन ट्रेन्ड बाई MDNY, और 1000 मतलब 1300 से ज़्यादा जो योगा ट्रेनर है उनको ट्रेन किया गया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के अंदर। ओके, उसके साथ साथ PM अवार्ड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में भी किया गया, 4 अवार्ड दिए जाएंगे, 2 नेशनल लोगों को, 2 इंटरनेशनल लेवल पे अनाउंस किए गए योगा के फील्ड में। ठीक है, नेशनल आयुष मिशन है, जहाँ पर नेशनल आयुष मिशन में तो क्या है योगा को भी इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, जिसमें 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल जिसमें योगा भी इंक्लूड किया गया है। दूसरा, अंडर फ्लेक्सिबल कंपोनेंट ऑफ स्कीम ऑफ नैम प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर ग्रांटिंग एड टू द योगा वेलनेस सेंटर। अब जो योगा वेलनेस सेंटर है जहाँ लोगों को जो लोकल पीपल आएंगे उन वहाँ से योगा के बारे में जानेंगे तो उनको भी ग्रांट एंड एड मिलेगी ऐसे सेंटर्स को भी। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है योगा का इंट्रोडक्शन। दूसरा, जो देखो मैं 3 पार्ट में आप सबको बताता हूँ योगा के बारे में। इंट्रोडक्शन कर लिया है, मेंस जो बॉडी होती है उसके हमने अभी 2 पार्ट कर लिए हैं। पहला पार्ट है बेनिफिट का, 10 से 15 पॉइंट कर चुके हैं। दूसरा पार्ट है हमारा जो अप्रोचेस क्या हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल लेवल पर क्या अप्रोच कर रहे हैं, उससे भी 10 से 15 पॉइंट कर लिए हैं। उसके बाद हमने कंक्लूजन भी कर लिया है, बाकी अभी मेंस बॉडी के कुछ 3 या 4 पार्ट हैं वो हम करते हैं। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीजेज एज पर योगा, तो आप ये अपने मेंस आंसर राइटिंग के तीसरे पार्ट में भी लिख सकते हैं और प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब है क्या ये देखिए, तैत्रीय उपनिषद, उपनिषद जनरली ऐसे टेक्स्ट होते हैं जहाँ पर एक तरह से जैसे बहुत सारे वैदिक टाइम पर ये उपनिषद फॉर्म किए गए थे। यहाँ पर उपनिषद में क्या होता है, टीचर और जो स्टूडेंट होता है वो डिस्कशन करते हैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में, जहाँ पर बच्चे बैठते हैं अपने गुरु के सामने और गुरु जो है उनको एक उपनिषद जो टेक्स्ट बताते हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल है किसी में, लॉजिकल जिसमें थिंकिंग हो, ये सब। तो तैत्रीय उपनिषद डिस्क्राइब करता है 5 सीथ यानी कि पंचकोश। ठीक है, अब पंचकोश में क्या क्या आते हैं, जैसे पहला है अन्नमया, फूड शीत, प्राणामया, एनर्जी सीट, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना 8 लिंब, वैसा ही चीज़ है। ठीक है, ये तो तैतृय उपनिषद में 5 सीट यानी कि पंचकोश या कि लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस इन द बॉडी फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन लेवल, दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी ऑफ योगा। तो अब डायरेक्ट आपसे पूछेंगे एनाटॉमी ऑफ योगा क्या होता है। ठीक है, तो 5 उसमें इंक्लूड किए गए हैं, एक तो खाने से रिलेटेड फूड सीट है, दूसरा एनर्जी रिलेटेड है, ठीक है, और तीसरा है जो ये उपनिषद की भाषा है, ठीक है, अनन्यमया प्राण मिया, तो जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। फूड सीथ वो देख लेना, ठीक है, अपने अपने बेसिस पे। मनोमया कोश इसमें किससे रिलेटेड है, किसी की लाइक और डिसलाइक के बेसिस पे। देखिए बहुत सारे लोगों को मेंटल इलनेस होती है कि हाँ मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को ये नहीं, तो जो माइंड का इम्बेलेंस होता है वो सुधारते हैं। विजयनमया कोश में जो विजना है, डिस्क्रिमेंट है, उससे बात डील करते हैं। आनंदमया कोश में जैसे ब्लिस है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आनंद से, ठीक है, उससे मतलब है। ठीक है, तो ये 5 कोश हैं। तो कोई बोलेगा एनाटॉमी ऑफ योगा क्या है और इसमें कौन कौन इंक्लूड है, फूड है, एनर्जी है, माइंड इम्बेलेंस है, डिस्क्रिमेंट है, ब्लिश है। ठीक है, ये 5 एनाटॉमी ऑफ योगा है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है प्रीलिम्स फैक्ट के बेसिस पे, मेंस के बेसिस पे। ठीक है, अब दूसरे टर्म्स भी जनरली डिस्कस कर लेते हैं, अदर टर्म्स ऑफ योगा। द कंपोनेंट ऑफ योगिक वे ऑफ लाइफ और पॉजिटिव मेंटल हेल्थ आर एज फॉलोज। आहार फूड से मतलब है, ठीक है, आहार किससे मतलब है, फूड से मतलब है कि प्रॉपर हमें डाइट लेनी चाहिए। जैसे हमने कहा है एक्सरसाइज में आपको प्रॉपर सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं करनी है, 80% आपकी डाइट के बेसिस पे होता है। तो हमें न्यूट्रिशियस कुक्ड
फूड नरिशिंग फूड लेना पड़ता है नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। दूसरा विहार, रिलैक्सेशन, अच्छी तरह रिलैक्स करो, आपकी जो प्रॉपर स्लीप होती है 7 से 8 घंटे की वो लो। उसके बाद आचार है, कंडक्ट, आपकी गुड हैबिट क्या है, आपके डिज़ायर पर कैसा कंट्रोल है, ये दूसरे टर्म है। उसके बाद ऑब्जर्वेंस, मतलब किस तरह से आप अपने डिज़ायर में कंट्रोल कर सकते हो, ये है, ठीक है। पहला आपने देख लिया आहार, फूड, अच्छा फूड खाना चाहिए। दूसरा विहार, अच्छी स्लीप लेनी चाहिए। आचार, अच्छी गुड हैबिट्स को, पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड को, ठीक है। और हमारी जो डिज़ायर है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, उसे ये कहते हैं ऑब्जर्वेंस। ओके, तो ये सब टर्म थे ऑलरेडी। ये पूरा आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कुछ 3 या 4 आर्टिकल से बना होगा। तो योगा के बारे में हमने एक पूरा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और मेंस बॉडी पार्ट के 3 पार्ट किए, बेनिफिट, अप्रोचेज, कॉन्सेप्ट जो योगा के टर्म होते हैं वो, एनाटॉमी, और उसके साथ साथ प्लस प्रीलिम्स में जो जो क्वेश्चन आ सकते थे वो हमने डिस्कस किए। तो ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ये आर्टिकल हमने इतना डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल है एन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया एन ओवरव्यू। जितनी भी दवाइयाँ हैं, यानी कि जिन भी अलग अलग तरीकों से किसी एक पर्सन का इलाज होता है हमारे भारत में या विश्व के दूसरे कोने में, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिटेल में एक मेंस आंसर राइटिंग की तरह हमने योगा को डिस्कस किया। अब हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, सिद्ध क्या है, यूनानी क्या है, नाटुरोपैथी में क्या होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं यूपीएससी द्वारा। दूसरा, मेंस आंसर राइटिंग में भी पूछा जा सकता है कुछ टर्म। ओके, तो ये आर्टिकल जनरल स्टडीज पेपर 2 है, टॉपिक रहेगा हेल्थ और सब टॉपिक रहेगा मेडिसिन। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया है आर्टिकल में। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, देखिए ट्रेडिशनल मेडिसिन और इंडिजिनियस मेडिसिन ऐसी होती हैं जो जनरली हमारे कंट्री यानी कि हमारे जो रीजन है, पूरे भारत रीजन है, वहाँ पर फ्रेम हुई हो। दूसरा, कभी भी कंप्लीमेंट्री मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आ गया, ये 2 टर्म आए, तो ये हम कह सकते हैं हमारे देश के बाहर, हमारे कंट्री भारत के बाहर जो भी ट्रेडिशनल, जो भी दूसरी मेडिसिन बनाई जाती है उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। अब भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ करते हैं, भारत में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी यूज करते हैं जो देश में बनी रहती है, दूसरे देश में बनी रहती हैं। और इसको एन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ, एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी बोला गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव होगा, ठीक है, एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, अब देख लेते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन अलोंग विथ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आर टर्मिनोलॉजीज दैट आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजिवली फॉर ए ब्रॉड रेंज ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस थ्योरी। अब जितनी भी अलग अलग तरीके से ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट, पूरे वर्ल्ड के ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में चीज़ें जो दूसरे पर्सन को सही करती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, नाटुरोपैथी हो, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हो या होम्योपैथी हो, इन सभी की तरफ से, यानी कि इन सभी को जब किसी ह्यूमन में अप्लाई करते हैं तो इन्हीं को अलग अलग टर्म में कोई कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बोल देता है, कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोल देता है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दिस सिस्टम ऑल पुट टुगेदर आर रिफर्ड टू एज ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, TNCM। बहुत सारे लोग इसको TNCM भी बोलते हैं या ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं, या तो ASM बोल देते हैं कि आयुर्वेदिक भी हो गया, जो चाइना में चल रही हैं, जो इंडिया में चल रही हैं, उन सबको जब एक साथ रखते हैं और इन्हीं को ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन TNCM बोलते हैं या ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोला करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंडियन इंडिजिनियस सिस्टम की, ट्रेडिशनल वो भी होता है जो बहुत पुराने समय से यूज़ हो रही हैं, जैसे अभी की नई गोलियां होती हैं, जो नई दवाइयां होती हैं उसे कॉम्प्लीमेंट्री या हम कहेंगे ऑल्टरनेटिव। ट्रेडिशनल वो होती हैं जो पहले एनिशेंट टाइम से यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब मैं भारत की बात करता हूँ, इंडिजिनियस सिस्टम जैसे आयुर्वेदा और सिद्ध भारत में आया था, ठीक है, और होम्योपैथी दूसरे देश से, दैट नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, जो भारत में नहीं है उसे होम्योपैथी, ठीक है। इन सबको मिला के जब एक साथ रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, आगे अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन सिंस एनिशियंट टाइम्स, बहुत प्राचीन समय से किस तरह से दवाइयाँ बनाई गई, किस तरह से स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था।
अब देखिए, जितनी भी मेजर सिविलाइजेशन आई हैं, जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बहुत 100-200 सालों तक एक ही रीजन में बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो निवास कर रही है, ठीक है। एंशियंट टाइम से अगर मैं बात करूँ, बहुत सारी सिविलाइजेशन है, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटेमिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई बीमार होता होगा तो जड़ी बूटी का यूज़ करते होंगे ना, तो वैसे ही हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन इंडिकेट करती है मेजर सिविलाइजेशन और कल्चर हैड डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम ऑफ क्यूरिंग डिजीजेज। अपना सिस्टम उन्होंने डेवलप किया कि किस तरह से एक बीमारी का इलाज किया जाए, ठीक है। तो वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं, मेडिसिन इन एनिशियंट फॉर्म वॉज प्रैक्टिस इन ऑल सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन, जैसे इजिप्टियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, चार टाइप की सिविलाइजेशन थी, इजिप्टियन, चाइनाज और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। इन सब के बारे में तो हमने डिटेल में ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड जान चुका है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में उतना ज़्यादा एक्सक्यूएट नहीं किया गया। बट इन सभी सिविलाइजेशन में, चाहे रोमन सिविलाइजेशन, अरब सिविलाइजेशन हो, जहाँ यूनानी मेडिसिन जो है डेवलप की गई थी, तो इन सब की अलग अलग सिविलाइजेशन में अपने अपने तरीके थे किसी बीमारी को सही करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे जो रिकग्नाइज बाय द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन, और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो उनकी सिविलाइजेशन के नाम से ही आई हैं, ओके। जैसे चाइनीज ट्रेडिशनल होम्योपैथी, अभी इससे पहले पढ़ा, ठीक है। अब देखते हैं जो मेडिसिनल जो प्रैक्टिसेज हैं, 3000 BC से 3500 BC के बीच चल रही थी, स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली इन एवरी कल्चर, सभी सिविलाइजेशन में। दूसरा, बहुत सारी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा, वैसे नई नई मेडिसिन हमें देखने को मिली। जैसे अरब में बहुत सारी इवोल्यूशन हुआ और वो हमने इंटीग्रेट भी किया अपने यहाँ, उस दवाई का यूज़ भी किया, ठीक है। तो ये सब था कि मेडिसिन कैसे आई एनिशेंट टाइम से। अब बात करते हैं भारत की और उससे जुड़ी हुई अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। फर्स्ट फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। देखिए, अब भारत में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस दवाइयों के उसमें काम करता है, तो एक डिपार्टमेंट है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो कि क्रिएट किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, मार्च 1995 में, ठीक है। ताकि भारत में ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रैक्टिस किया जाए, इसको प्रमोट किया जाए। ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन समझ में आ रहा होगा ना आपको, ट्रेडिशनल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री, जो भारत में बनाई जाती हैं, जो दूसरे विदेशों में बनाई जाती हैं, उन सबको एक साथ रखेंगे तो उसे ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलेंगे, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे, इस डिपार्टमेंट को नवंबर 2003 में रिनेम कर दिया गया, मतलब उसका नाम जो पहले था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, इसका नाम बदल के कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नाटुरोपैथी, ठीक है, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, जिसे आयुष बोला गया 2003 में। इसका नाम जो अभी आयुष है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ही बना दी है, एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी है। ए फुली इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वॉज फॉर्म्ड इन 2014। पहले एक ये डिपार्टमेंट हुआ करता था, उसके बाद इस डिपार्टमेंट का नाम आयुष रखा गया, यानी कि आयुर्वेद, योग, नातुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। उसके बाद इसको अलग से मिनिस्ट्री है। अब मिनिस्ट्री बनने का फ़ायदा क्या होता है कि एक इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे, इसके लिए अलग फंड आएगा, अलग स्कीम्स आएंगी, तो ये फ़ायदा रहता है मिनिस्ट्री, यानी कि अलग से फोकस दिया जाएगा। अब बाय द एंड ऑफ मार्च 2017 में देखें तो 3943 हॉस्पिटल डिस्पेंसरी अंडर आयुष सिस्टम खुली, बहुत सारे केंद्र सरकार जो की गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज होती हैं, राज्य सरकार की होती हैं, कोल लेबर मिनिस्ट्री और बहुत सारे ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिसके अंडर ये छोटे छोटे डिस्पेंसरीज खुल रही थी, ओके। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन सिंस एंटिक्विटी, एनिशेंट टाइम से जो इवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ। सबसे पहले भारत की दवाइयों के बारे में जानेंगे। मेडिसिन इन इंडिया ओरिजिनेट हुई थी 3000 BC से, 3000 BC यानी कि जीजस क्राइस्ट के बर्थ के 3000 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। अब व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा इज कंसिडर्ड टू हैव स्टार्टेड, अब आयुर्वेदा चल रहा था भारत में, उसके साथ साथ सिद्ध सिस्टम स्टार्ट हुआ, भारत में ही सिद्ध जो सिस्टम है उसका ओरिजिन हुआ, अब जो ये पीरियड माना जाता है 800 BC से 600 AD के बीच में, ठीक है। और जो पीरियड है ये 800 BC से 600 AD के बीच में, इसको एक गोल्डन पीरियड माना जाता है इंडियन मेडिसिन की, क्योंकि इस पीरियड के दौरान बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जो एक्सेप्ट की गई आयुर्वेदिक मेडिसिन में, जैसे अटारिया की, चरक की, सुश्रुता की, चरक संहिता आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक
ठीक है। उन्होंने तो हड्डियों के बारे में भी बता दिया था, कुछ 360 ही होती हैं करके, उन्होंने कुछ दांत के भी जॉइंट गिन लिए थे। तो उस समय हम कह सकते हैं चरक ने हड्डियों के बारे में बताया था, जबकि उतनी मशीन भी नहीं होती थी। ठीक है, ओके। बाकी अटरिया जो हैं 800 BC के, उनको फर्स्ट ग्रेट इंडियन फिजिशियन और टीचर माना जाता है। अब कुछ प्रिलिम्स के फैक्ट जान लेते हैं इंडियन में। चरक 200 AD में, इनको कैरेक भी बोला जाता है, कैरेका बोला जाता है, और इन्होंने लिखी थी चरक संहिता। तो चरक संहिता किससे, कोई बोलेगा किससे है, तो वो मेडिसिन से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद सुश्रुता रेफर्ड है द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। अब जो सुश्रुता हैं उनको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बोला जाता है। अब UPSC ऐसे क्वेश्चन देने लगी है पॉइंट के बेसिस पर कि किसको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बोला गया है, किसको बोला गया है, सुश्रुता को। ठीक है, उन्होंने सुश्रुता संहिता लिखी, और बहुत सारी 800 BC से 400 AD के बीच में, अराउंड 800 AD में जो चरक और सुश्रुता संहिता हैं उनको ट्रांसलेट भी किया गया, ताकि दूसरे देशों में भी उसका फ़ायदा मिले, जैसे पर्शियन में, अरेबिक में, इंडियन, और दूसरा इंडियन मेडिसिन स्प्रेड हुई इंडो चाइना में, इंडोनेशिया, तिब्बत और सेंट्रल एशिया और जापान में जाती रही। तो इंडियन मेडिसिन के बारे में ये बताया, और ज़्यादातर आयुर्वेदिक और सिद्ध जो है इंडियन ओरिजिन मानी जाती हैं। इजिप्टियन मेडिसिन इनके बारे में उतनी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हल्का मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं। ठीक है, एडवांस्ड मेडिसिन है जो कि 2800 BC में देखी गई थी। चाइनीज़ मेडिसिन, वेल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन 2700 BC में। बहुत सारे अभी भी इंडिया में चाइनीज़ मेडिसिन फॉलो की जाती हैं। मेसोपोटामिया मेडिसिन, ये एक सिविलाइजेशन है सेंट्रल एशिया की। कोड ऑफ हम्मुराबी इन द नेम ऑफ किंग ऑफ बेबीलोन वर फॉर्मुलेटेड अराउंड 2000 BC में, ये चली। ठीक है, ग्रीक मेडिसिन, ग्रीक मेडिसिन इवॉल्व हुई थी 460 BC से 136 BC तक। ठीक है, वॉज अमंग द लीडर इन ग्रीक, हिपोक्रेट्स वर अमंग द लीडर इन ग्रीक मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन अगर किसे बोला जाता है तो वो हिपोक्रेट्स को बोला जाता था। किसको, हिपोक्रेट्स। ओके, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना। ओके, रोमन मेडिसिन, रोमन मेडिसिन इमर्ज हुई है ग्रीक मेडिसिन से, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, हालांकि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका कहाँ पर हुआ था, 1300 से 205 AD के बीच में। वॉज ए फेमस रोमन मेडिकल टीचर हुज टीचिंग लास्टेड टिल द 17th सेंचुरी व्हेन सम रिसेंट नॉलेज एंड एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी इमर्जेड। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर ध्यान में रख लेना कि रोमन मेडिसिन इमर्ज हुई थी ग्रीक मेडिसिन से। अरब मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन यहीं से आई थी, 500 AD से 1500 AD के बीच में, जो ग्रीक रोमन मेडिकल लिटरेचर वो ट्रांसलेटेड इंटू अरब में। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अरब मेडिसिन, अरब जो सिविलाइजेशन थी वहाँ से यूनानी मेडिसिन आप सबको देखने को मिलती है। ठीक है, पीरियड ऑफ 800 से 1300 AD, इसको गोल्डन पीरियड भी माना जाता है इन अरेबिक मेडिसिन में। ठीक है, यहाँ पर ये दो लीडर का नाम दिया गया है पर उनको जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ये कुछ हम आपको जानना है, ये वाला कि फादर ऑफ मेडिसिन है हिपोक्रेट्स, आपको जानना है इंडियन मेडिसिन के बारे में सुश्रुता जो इंडियन सर्जरी के फादर बोले जाते हैं। अब मैं कुछ ट्रेडिशनल इंडिजिनियस और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो भारत में है उनके बारे में डिस्कस करूंगा, सबके बारे में। सबसे पहले आयुर्वेदा, आयुर्वेदिक जो सिस्टम है वो 5000 साल पहले इवॉल्व हुई थी, यानी कि 3000 BC में। जो वर्ड है आयुर्वेदा, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, साइंस ऑफ लाइफ। अब जहाँ पर एंड एम्प्लॉय ट्रीटमेंट मॉडलिटी, जैसे प्यूरिफिकेशन करना, पैलिएशन करना, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस डाइट्स बताना। ठीक है, एक्सरसाइज एंड एविडेंस ऑफ डिजीजेस कॉजिंग फैक्टर द आयुर्वेदिक मेडिसिन थ्रू प्रैक्टिस्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ हेल्थ नीड्स। अब आयुर्वेद में आप सबको पता है ज़्यादातर नेचुरल चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे जड़ी बूटियों का, पेड़ का तना, पेड़ की जड़ें, ये सब यूज़ होती हैं। अब एक चीज़ आपका मन में आता हो कि ये आयुर्वेदी है, नाटुरोपैथी है, इनसे मतलब क्या है तो दवाइयाँ, पर आयुर्वेदा इन सब का एक वाइड डिफरेंस ये है कि भारत की अगर मैं बात करूँ तो ये अलग अलग हिस्सों में यूज़ होता है। कहीं के लोग मानते हैं कि सिद्ध वाली दवा यूज़ करनी चाहिए कुछ राज्य के लोग, तो आयुर्वेदा, तो अभी मैं जितने भी चीज़ें बताऊँगा वो यही बताऊँगा कि कौन कौन से राज्य में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ ज़्यादा चलती हैं। ये है आयुर्वेदिक इज़ वाइडली यूज इन इंडिया मोर केरला, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, अब यूनानी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन का ओरिजिन हुआ था अरब वर्ल्ड में, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और उसमें कुछ कंटेम्प्रेरी सिस्टम, जब दूसरे देशों में भी
दवाइयाँ बन रही थी, वहाँ से भी ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, इजिप्ट से, सीरिया से, इराक से, क्यों है ठीक है, पर्शिया से, इंडिया, चाइना और मदर मिडिल ईस्ट कंट्री से ये कॉन्सेप्ट यूनानी मेडिसिन लिया गया है ठीक है। अब यूनानी मेडिसिन जो करती है पेशेंट का ट्रीट, डाइट, फार्मोथेरेपी, एक्सरसाइज, मसाज देती है यूनानी थेरेपी में, सर्जरी, सर्जरी होती है, मसाज होती है, एक्सरसाइज होती है ठीक है। आयुर्वेद में ज़्यादातर जड़ी बूटी का यूज़ होता है। अब इनका मेजर डिफरेंस क्या है, ये कौन कौन से ठीक है। मेडिसिन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में 10वीं सेंचुरी AD में हुआ था, और ये कहाँ पर, ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में ये परफॉर्म की जाती है। उसके बाद होम्योपैथी, होम्योपैथी एक डिराइव किया है ग्रीक वर्ड से, होमियोस का मतलब होता है सिमिलर और पैथोस का मतलब होता है सफरिंग ठीक है, सिमिलर सफरिंग। अब होम्योपैथी की एक खास ये बात है कि एक ही दवाई दो तीन डिजीज को ख़त्म कर देती है, तो यही एक खासियत है होम्योपैथी में, आगे भी हम पढ़ेंगे ठीक है। तो होम्योपैथी का मतलब होता है सिमिलर सफरिंग। अब ये ओरिजिनेट हुई थी जर्मनी में, बहुत ज़्यादा यूरोप में, यानी कि कहाँ, यूरोप में, और कौन सी कंट्री है, जर्मनी में ठीक है। और भारत में इंट्रोड्यूस हुई थी 1810 से 1839 के बीच में ठीक है। होम्योपैथी लॉ ऑफ हीलिंग यानी कि सिमिला, ये कुछ जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइक्स आर क्योर्ड बाय लाइक्स, इट इज़ यूजली इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडीज सेलेक्टेड टू एड्रेस स्पेसिफिक सिम्टम और सिम्टम प्रोफाइल। जाने या होम्योपैथी क्या करती है, एक स्पेशलाइज्ड यानी कि सेलेक्टेड कोई बीमारी हो और दो तीन बीमारी रिलेटेड हो तो एक ही दवा आप खाएंगे तो उससे सही हो जाता है। ज़्यादातर ये होम्योपैथी उत्तर प्रदेश में, केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी होम्योपैथी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पर अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में धीरे धीरे जो पॉपुलरिटी है होम्योपैथी की वो घटते जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं ठीक है। आगे सिद्ध, अब सिद्ध ये सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था भारत में, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जो सिस्टम है मेडिसिन का वो भारत में हुआ, आयुर्वेदिक और सिद्ध ठीक है। तो सिद्ध जो ऑरिजिनेट हुआ था भारत में, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। अब इसमें इट टेक्स इनटू अकाउंट द पेशेंट हिज हर सराउंडिंग के बारे में, एज, सेक्स, रेस, हैबिटाट, डाइट, एपिटाइट, फिजिकल कंडीशन टू अराइव एट द डायग्नोसिस। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जब सिद्ध से उसका उपचार हो रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, एज क्या है, सेक्स क्या है, रेस क्या है, हैबिटाट क्या है, कौन सी डाइट वो खाता है, फिजिकल कंडीशन क्या है। तो सिद्ध सिस्टम में जनरली मेटल्स, मिनरल्स और बहुत सारे एलॉयज का यूज़ करते हैं पेशेंट को सही करने में, बहुत सारे ड्रग, ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करते हैं, अनलाइक मोस्ट जो ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है। जो ये सिस्टम है थेरेपेटिक्स इन नेचर होता है, बहुत ज़्यादा थेरेपी दी जाती है ठीक है। सिद्ध लिटरेचर जो है तमिल में है, और ज़्यादातर सिद्ध जो है साउथ के इलाके में ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है ठीक है, तमिल स्पीकिंग पार्ट ऑफ इंडिया जैसे केरल और अब्रॉड में ही। तो अभी आएगा सिद्ध जो जनरली कहाँ से, नॉर्थ इंडिया नहीं, वो साउथ इंडिया में ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है। इसमें मिनरल्स, मेटल्स, एलॉय, ड्रग और ऑर्गेनिक कंपाउंड से ट्रीट को पेशेंट को ट्रीट करते हैं और इन सब के बारे में ध्यान रखते हैं ठीक है, हैबिटाट क्या है, डाइट क्या है। उसके बाद सोवा रिगपा, ये वर्ड इसका मतलब होता है साइंस ऑफ हीलिंग और ओल्डेस्ट लिविंग और वेल डॉक्यूमेंटेड मेडिसिन ट्रेडिशन है, इसके बारे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये जो सोवा रिगपा है ये तिब्बत में ओरिजिनेट हुआ था और भारत में, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, रशिया में इसको परफॉर्म किया जाता है, और भारत के कुछ राज्यों में जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, धर्मशाला, लाहौल, स्पीति हिमाचल प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद लास्ट योगा और नाटुरोपैथी, जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस ऑफ योगा आर रिपोर्टेड टू हैव ओरिजिन। देखिए योगा के बारे में मैं उतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम 8 से 10 स्लाइड योगा के इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ ठीक है, और 21 जून को एज ए इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। नाटुरोपैथी बताता हूँ, नाटुरोपैथी एक ड्रगलेस नॉन इन्वेजिव इंस्ट्रूमेंट है। नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है एक ऐसी मेडिकल प्रोसीजर जहाँ पर आपके कोई भी शरीर के अंग में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चुभाएंगे ठीक है, जैसे इंजेक्शन लगते हैं ना वैसे ही ये नॉन इन्वेजिव सिस्टम है। अब इसमें ज़्यादातर आपको मड थेरेपी, आप सबको कीचड़ में कीचड़ का लेप लगा सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी, पानी का मसाज दे सकते हैं, एक्वा प्रेशर, एक्वा पंचर, मैग्नेट थेरेपी और योगा थेरेपी दे सकते हैं नाटुरोपैथी में ठीक है। आगे धीरे धीरे इसके बारे में, हर के बारे में, कुछ मेडिसिन के बारे में जो जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है वो डिस्कस करते हैं। सिद्ध मेडिसिन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टर्म जो सिद्ध है
ये सिद्धि से आया है, सिद्धि का मतलब होता है परफेक्शन, ठीक है, और सिद्धि मीन्स परफेक्शन, द प्रैक्टिशनर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एम्ड एट परफेक्शन ऑफ हेल्थ। तो सिद्ध में ये चीज़ें होती हैं। और सिद्ध में एक और चीज़ याद रखना, दो टाइप की ज़्यादातर पल्सेस की आपको चेक करते हैं। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थेरेपी है, आपसे प्रीलिम्स में कैसा पूछा जाएगा कि ऑयल ऑन यूरिन साइन, ऑयल ऑन यूरिन साइन किस थेरेपी में यूज़ करते हैं, सिद्ध में, योग में, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, किस में? सिद्ध में क्या होता है, आपका यूरिन, आपका जो मल मूत्र होता है उसमें ऑयल डालते हैं, उसके ऊपर क्या डालेंगे, ऑयल। अब ऑयल जैसा पैटर्न फॉलो करेगा उसके बेसिस पे जो सिद्ध प्रैक्टिशनर होते हैं, सिद्ध जो डॉक्टर होते हैं, वो लोग डिराइव करते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थेरेपी इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑयल ऑन यूरिन साइन। तो किस तरह से बना रहा है, किस तरह से पैटर्न बना रहा है, ऑयल ऑन यूरिन किस में है, फिर सिद्ध, ठीक है। अब आते हैं होम्योपैथी में। होम्योपैथी जैसे मैंने कहा, आपको एक ही मेडिसिन देंगे, आपके दो तीन बीमारियां सही हो जाएंगी। द प्रिंसिपल दैट होम्योपैथी वर्क ऑन इंक्लूड सच नेचर बेस्ड प्रागमेटिक फैक्ट्स लाइक ट्रीटिंग ए पर्सन होलिस्टिकली थ्रू ए सिंगल सिंपल मेडिसिन। एक सिंगल मेडिसिन होगी, उसको होलिस्टिकली उस पर्सन की डिजीज खत्म हो जाएंगी, ठीक है, इन अ डायनेमिक मैनर एंड प्रिस्क्राइब इन ए डोजेज दैट इज जस्ट इनफ टू स्टिर अप द सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म ऑफ योर ओन बॉडी। कुछ ऐसी दवाइयाँ देखी होंगी आपने होम्योपैथी में, ऐसे छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद दवाइयाँ, ये देख सकते हो होम्योपैथी का। एक और चीज़, फॉर डिजीज ऑफ क्रोनिक और प्रोलॉन्ग्ड नेचर जैसे डायबिटीज़, मेलिटस, माइग्रेन आता है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इन सब के लिए इफेक्टिव रहता है। यूनानी सिस्टम में, अब यूनानी सिस्टम में एक चीज़ यह है जो हेल्थ को डिवाइड किया है तीन स्टेट्स में, कोई स्टेबल ऑप्टिमम हेल्थ, वल्नरेबल ऑप्टिमम हेल्थ और डेबिलिटी विदाउट डिजीज, यानी कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी बॉडी को तीन बार कि आप में थोड़ी सी बीमारी है, आप वल्नरेबल स्टेज हैं, आप में कोई बीमारी नहीं है, तो उस बेसिस पर आपको दवाइयाँ, आपका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, यूनानी सिस्टम में एक प्रिलिम्स का फैक्ट ये याद रखना, ये मैं बताता हूँ वही चीज़ है ये, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन कंसिडर द इंटायर यूनिवर्स इंक्लूडिंग, जैसे ह्यूमन बींग है, कोई दवाई है, कोई ड्रग है, कोई डिजीज़ है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन सबको चार प्राइमरी क्वालिटी में यूनानी जो है वो बताती है, यानी कि हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट। अब किसी ह्यूमन बीइंग को है कि उसकी बॉडी कौन सी कंडीशन में, तो इन चार प्राइमरी क्वालिटी के बेसिस पर यूनानी में उपचार होता है, ठीक है। तो कोई बोलेगा चार प्राइमरी क्वालिटीज़, हॉट, कोल्ड, ड्राई और वेट के बेसिस पर कौन सा ऐसा मेडिसिन का सिस्टम है जो ट्रीट करता है किसी पर्सन को, उसकी डाइट, उसकी क्या फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, कैसे उसको ड्रग देना चाहिए, तो ये वेट, हॉट, ड्राई, कोल्ड, ये यूनानी में होता है, ठीक है। इन चारों प्राइमरी क्वालिटीज़ को देख के उनका उपचार किया जाता है। उसके बाद एक और रेजिमनल थ्योरी पूछा जाएगा तो किस पर आता है, वो यूनानी में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट प्रैक्टिस बाय यूनानी फिजिशियन, दे हैव डिस्क्राइब वेरियस रेजिमन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेज आइदर इंडिपेंडली और कॉम्बिनेशन विद द थेरेपीज, जिसमें ये लोग क्या बताते हैं, डाइट क्या होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज क्या अपनाओगे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए, कि सुबह उठना चाहिए या रात को जल्दी सो जाना चाहिए, तो रेजिमेनल थेरेपी किस में है, यूनानी में। तो ये इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं आएगा, बट रेजिमल थेरेपी किस से एसोशिएट है, किस मेडिसिन ऑफ सिस्टम से एसोशिएट है, ये पूछा जा सकता है, ओके। उसके बाद कुछ प्रिलिम्स के फैक्ट, होम्योपैथी के फाउंडर कौन है, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, ठीक है, जर्मन के हैं, और जो टर्म होम्योपैथी है वो किसने दिया था, हैनीमैन एंड फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट, और प्रिंट हुआ था 1807 में, तो ये टर्म हैनीमैन ने दिया था, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो टर्म है वो किसने दिया था, ऐसा यूपीएससी में पूछा गया था, बिटकॉइन किसने दिया था ऐसा पूछा गया था, ठीक है, यूपीएससी। तो होम्योपैथी का टर्म किसने दिया था ये भी पूछा जा सकता है, और योजना मैगजीन में आया है तो ये पूछा ही जाएगा। अब नाटुरोपैथी हमने कहा कि ड्रग लेस है और नॉन इन्वेजिव, आप में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, जैसे ये मड थेरेपी है, आपके मड पूरे शरीर में मड लगाया और उसके बेसिस पे देते हैं, ठीक है। नाटुरोपैथी के बीच में इट्स बिलीव्स दैट ऑल लिविंग बींग इन नेचर स्टे हेल्दी एज लॉन्ग एज दे ट्यून्ड विथ नेचुरल लॉज, अगर वो प्राकृतिक नियमों से जुड़े रहे, यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं अगर उनसे ही आपने ट्रीटमेंट किया, तो नाटुरोपैथी में ये माना जाता है कि आप जो ह्यूमन है वो स्वस्थ रहेगा। मैन इज़ द ओनली क्रिएचर जो यूनिवर्स में, जिसमें वो प्रकृति को इग्नोर कर सकता है और कोई भी चीज़ चूज कर सकता है, ठीक है। तो ये नाटुरोपैथी है, ज़्यादातर
ड्रगलेस होता है, आपको कोई दवाइयाँ नहीं दी जाती, आपसे मर्ड हाइड्रोथेरेपी आपको दी जाएगी। ओके लास्ट है पूरी योजना मैगजीन का आयुर्वेदिक के बारे में, जो कि आप पॉइंट लिखेंगे। आयुर्वेदिक में जड़ी बूटी ज़्यादातर नेचुरल जो प्लांट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। अब आयुर्वेदिक के लिए कौन सी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी 2002 की और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। अब क्वालिटी के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आयुर्वेदिक फार्माकोपिन कमेटी, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन 2010। सेफ्टी और एफिकेसी के लिए कि किस तरह से सेफ्टी है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसमें कुछ रूल लिखे गए, रिसर्च एंड सपोर्ट, एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल ट्रायल्स भी करते हैं। एक्सेसिबिलिटी और रेशनल यूज़ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सपोर्ट, फिजिबिलिटी ऑपरेशनल इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेबिलिटी स्टडीज़ भी की जाती हैं, इंटरवेंशन एफिकेसी स्टडीज़। ओके तो ये पूरा हमने योगा और बहुत सारी दवाइयों के बारे में डिस्कस किया, कौन कैसे काम करती है। तो जून मंथ की जो ये मैगजीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो इस वीडियो पार्ट में इतना ही करेंगे, धन्यवाद।